प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। इतिहास में गुरु अर्जन देव जी के समय एक सिख का नाम आया है भाई समुंद। उसका जीवन कैसा था? एक नास्तिक का जीवन, अपने परिवार का भरण पोषण करना ही उसका लक्ष्य था। धन कमाना, अपने परिवार पर खर्च करना, बस। ना कोई दान, ना कोई पुण्य, कभी किसी की मदद नहीं की। ऐसा जीवन जीता चले जा रहा है। कभी मन में एक ख्याल नहीं आया कि जन्म क्यों लिया है। कभी मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि मरना भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नास्तिक का जीवन जीता चले जा रहा है। एक घटना घटी, दूसरे गांव गया व्यापार के लिए। जिस साहूकार ने समय दिया था वो आया नहीं। ये भाई समुंद वहां पर घूम रहा है, इंतजार कर रहा है उसका। क्या देखा कि कुछ लोग एक जगह इकट्ठे हैं, इकट्ठे होकर बैठे हैं। एक आदमी कुछ बोल रहा है ऊपर बैठा, और लोग बैठे सुन रहे हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये भी वहां जाकर बैठ गया गलती से, पहली बार अनजाने में जाकर बैठ गया, और हो क्या रहा था सत्संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी सत्संग होता क्या, सुना नहीं, पता ही नहीं। पर जब वहां बैठा तो वहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज के सिख प्रवचन कर रहे थे इस शब्द पर कि जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जह महापयान दूत जम दल्ले, तह केवल नाम संग तेरे चल्ले। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारे। अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गने रे। इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं सिख के मरने के बाद क्या क्या होता है। मरने के बाद ये माता पिता भाई रिश्तेदार कोई साथ में नहीं जाता, सब छोड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में जाता है तो केवल नाम। यह कथा चल रही है, भाई समुंद सुन सुनकर हैरान हो रहा है। कथा का भोग पड़ गया, सब चले गए, पर भाई समुंद सिंह वहीं बैठा रहा और विचार में डूब गया कि मरना भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में विचार उत्पन्न हुए, क्या ये मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी, ये मेरा कोई साथ नहीं देंगे? क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है? क्या ये जो ये लोग कह रहे हैं वो सही है? विचारों में डूब गया भाई समुंद। विचारों में डूबा हुआ बहुत गंभीर हो गया, व्यापार भूल गया, उठकर चल पड़ा अपने घर की तरफ। आज जब घर में गया, बच्चे और बीवी अच्छे नहीं लग रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन नहीं खाया और सोने के लिए चला गया, पर नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही कि मरना है। मरने के बाद इतने भयानक जगह पर जाना है, और नाम साथ में जाता है, और नाम मैंने कभी जपा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये विचार करते करते सो जाता है, और उसे सपने सपना आता है
क्या देखता है सपने में कि बीमार पड़ गया है। बीमार पड़ने के बाद सारे रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, घर वाले भी प्यार कर रहे हैं, आसपास बैठे। बीमारी बढ़ती जा रही है, रिश्तेदार आना कम होते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अब ठीक नहीं हो सकता। वैद्य ने कह दिया कि बीमारी ऐसी है कि फैल सकती है, जो पास में आएगा घर वाले भी दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपना देख रहा है, बीमार होते होते अकेला रह गया, कोई खाना पूछने के लिए भी नहीं आ रहा, भूखा मर रहा है, और जमदूत लेने आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपने में देख रहा है जमदूत उसे लेने आ गए, या अपनी धर्म पत्नी को आवाज देता है कि मुझे बचा। धर्म पत्नी अपना सर झुका लेती है कि मैं नहीं बचा सकती। जमदूत उसे पीटते घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज कहने लगा, महापापी है ये, इसने कभी दान नहीं किया, इसने कभी किसी की मदद नहीं की, इस आदमी ने कभी नाम नहीं जपा, इसे नरकों की आग में डाल दो। जमदूत उसे पकड़ कर लेकर क्या देखता है कि इतनी भयानक अग्नि है कि जिसे भी उसमें फेंकते हैं वो पास अग्नि के पास पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये साखी लिखी हुई है श्री गुरु भगत माला स्टीक में। ये जो किताब है ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रमाणित है। समुद्र सिंह देखता है कई लोग आग में जल रहे हैं, पहले भस्म हो गए, फिर उनकी आत्मा अंदर जलती जा रही है कई सालों तक, इतनी तकलीफ। घबरा गया, जब उसे फेंकने लगे तो यह जोर से चिल्ला पड़ा, चिल्लाया तो इसकी आंख खुल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुली, हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने से भरा हुआ शरीर। उठा, देखा आधी रात है, घर से चोरों की तरह बाहर निकला और चल पड़ा कहां, जहां वो गुरुमुख प्रवचन कर रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसने सुना था कि वो प्रवचन में कह रहे थे कि रात सोने के लिए नहीं होती, रात स्नान करके सिमरन में बैठो, तो वो समझ गया ये गुरुमुख भी इस वक्त जाग रहे होंगे। तो उस गांव की तरफ चल पड़ा, वहां जाकर क्या देखता है, जितने भी सिख थे वो स्नान करके सिमरन में जुड़े बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये भी वहां जाके घबराया हुआ बैठ गया और इंतजार करने लगा कि ये लोग सिमरन से उठें। और दो पंक्तियां पढ़े, अनेक पुनः चरण करत नहीं परे, हर गुना कोट पाप पर हरे, गुरमुख ना गुरमुख ना जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। गुरमुख ना जपो मन मेरे, धन गुरु नानक। अमृत वेला हुआ, सूरज निकल आया, भूख पड़ा,
जब इन सिखों ने आंखें खोली तो भाई समुद्र ने इनके चरण पकड़ लिए। कहने लगा, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे जमदूतों से बचाओ, मुझे नरक की आग से बचाओ। मैंने कभी नाम नहीं जपा, मैंने कभी दान पुण्य कुछ भी नहीं किया। सिख कहने लगे, ये काम तो हमारे सिर्फ हमारे गुरु कर सकते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इस वक्त पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री अमृतसर साहिब की अमृतसर साहिब में हरमंदर साहिब की कार सेवा करवा रहे हैं। आओ तुम्हें भी उनके पास ले चले। तो भाई समुंद उनके साथ चल पड़ा। श्री अमृतसर साहिब पहुंचा, संगत लाइन लगाकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के आगे बेटा रखकर माथा टेक रही है। जब इसकी बारी आई तो इसने गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरण पकड़ लिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उठे ही ना और रोता जाए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने देखा कि ये हृदय से पश्चाताप कर रहा है अंदर से। और उस वक्त पांचवें गुरु नानक ये पंक्तियां उच्चारण के, क्या पई परापत मानख देहुरिया, गोविंद मिलन की तेरे परिया। पई परापत मानख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरे परिया। अवर काज तेरे किते ना पा, मिल साथ संगत पज के वलना। पांचवें गुरु नानक कहने लगे, और कोई भी काम तेरे साथ नहीं जाएगा, मिले साध संगत भज केवल नाम। तो यहां पर भाई समुद्र ने एक सवाल पूछा बड़े कमाल का। कहने लगा, गुरु जी क्या अब मैं घर ना जाऊं, क्या अपने बीवी बच्चों पर ध्यान ना दूं, यहीं पर रह जाऊं, सत्संगत करता रहूं और नाम जपता रहूं। गुरु नानक पातशाह पांचवें गुरु नानक कहने लगे, नहीं, तो बात की गहराई को नहीं समझा। सब कुछ करना है, तेरा परिवार तेरा फर्ज है, जाकर इसकी पालना कर, पर फर्ज समझकर इसमें डूब मत जा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जब सत्संगत का समय आए तो सारे काम छोड़ दे, चाहे वो परिवार हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, क्योंकि साथ में जो घड़ियां जानी है वो सत्संगत की जानी है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसे कुछ वचन दिए कि इन वचनों की पालना करना ये युक्ति है, इन वचनों की पालना करना, जमदूत तुझे पास भी नहीं आएंगे, तुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पहला वचन, अमृत वेले उठकर स्नान कर सिमरन करना। दूसरा वचन, सच बोलना, जो वहां पर लिखे हुए हैं चार वचन। पहला वचन, अमृत वेले उठकर स्नान करके सिमरन करना। दूसरा वचन, सच बोलना। तीसरा वचन, गुरुद्वारे जाना। और चौथा वचन, जब गुरुद्वारे में जाए तो वहां पर भूखे सिखों को भोजन कराना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भाव लंगर में सेवा करना। ये चार वचन किए गुरु साहिब जी ने कि ये युक्ति है, इस युक्ति को अपना ले, तेरा कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता।